निमाड़ा विधानसभा की छोटी साधड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत ईटो का तालाब में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक नवलखा, विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष रमेश गोपावत, कैलाश गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य मुकेश आमेटा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता BDO एवं कार्यक्रम प्रभारी ने की। संकल्प यात्रा के दौरान ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए, उन्हें विकसित भारत यात्रा के दौरान आयोजित शिविरों में योजनाओं से जोड़कर लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में नवलखा ने आमजन को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सेवा निधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत, PMJAY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, RCS उड़ान, वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन योजना आदि में पात्र वंचित लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का स्वागत सरपंच एवं समस्त वार्ड पंचों ने किया। वहीं अंत में आभार विकास अधिकारी लक्ष्मण खटिक ने व्यक्त किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी दिनेश मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र मेनारिया, PEO रूप किशोर मीणा, निम्बाहेड़ा नगर मंडल उपाध्यक्ष देवकरण समदानी, सरपंच प्रतिनिधि वेणीराम मीणा, उप सरपंच शिवराज मीणा, पुरुषोत्तम सोनी, बंटी गुर्जर, विष्णु टांक, ग्राम रोजगार सहायक परशुराम शर्मा एवं समस्त वार्डवासी, पंच एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा से कैलाश चंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट।